नमस्कार साथियों, मैं दीपंकर समद्दार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त, बिजनेस लॉ, कॉरपोरेट और टैक्स कंसल्टेंट और प्लानर। एक इम्पॉर्टेंट और जेन्युइन टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ, जो आज हमारे देश में मैक्सिमम लोगों की या तो क्वेरी है या तो फिर उनको जानकारी होना ज़रूरी है, और काफ़ी लोग जानते भी हैं, तो फिर उसके बारे में चर्चा करते हैं। बिटकॉइन। मैं आपको एक बात बताऊं, हमने लास्ट ईयर में हमारे कुछ दोस्तों को देखा था, हमें लास्ट ईयर जनवरी 2017 के आसपास इतना ज़्यादा उन लोगों ने प्रेशराइज़ किया, बोले दीपंकर भाई आप ये बिटकॉइन ले लो, आप ये क्रिप्टो करेंसी ले लो। और अलग अलग करेंसीज हैं, रिप्पल है, बिटकॉइन है, इथेरियम है, ऐसे काफ़ी सारे करेंसीज हैं, इसमें सबसे पुराना और सबसे फेमस बिटकॉइन है। तो लेने के लिए इतना ज़्यादा उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया, इतना फोर्स किया, पता नहीं, लेकिन मैंने फिर भी लिया नहीं। आज मुझे लगता है कि क्यों नहीं लिया, ये मैं अपनी कहानी नहीं, ऐसे कई सारे दोस्तों की, ऐसे ऐसे कई सारे क्लाइंट्स की कहानी सुना रहा हूँ जो एक्चुअल में ये हुआ होगा। कुछ लोग ने फर्स्ट मूवर फास्ट मूवर वाला कंसेप्ट में इस अपॉर्चुनिटी को ट्राई किया, और मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, काफ़ी सारे लोगों के पास बहुत सारे कॉइन पड़े हुए हैं जो काफ़ी सस्ते में लिए हुए थे और जिसको डिस्पोज ऑफ नहीं किया उन्होंने अभी तक। काफ़ी लोगों ने डिस्पोज किया और काफ़ी लोगों ने नहीं किया। डिस्पोज का मतलब सेल होता है, तो अगर जिसने सेल कर दिया तो वो तो पैसे कमा लिया होगा उन्होंने, और जिन्होंने नहीं किया वो और पॉजिटिव होंगे कि फ्यूचर में बहुत ज़्यादा उसका रेट बढ़ने वाला है। तो ऐसे बिटकॉइन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं बिटकॉइन के टैक्सेशन के बारे में बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले बिटकॉइन। तो दोस्तों, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं कुछ इनसाइट्स लॉ के तरफ से दूं और कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज भी आप लोगों को प्रोवाइड करूं, क्योंकि आप लोग मेरे रेगुलर श्रोता हैं और बहुत ध्यान से सुनते हैं मुझे। बिटकॉइन सातोशी नाकामोतो करके एक व्यक्ति ने, जो कि आइडेंटिफाइड नहीं है, 2009 में उन्होंने अपना ये प्रोजेक्ट इंटरनेशनली लॉन्च किया, जिसको कि व्हाइट पेपर बोलते हैं। इंटरनेशनली अगर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना होता है तो उसको व्हाइट पेपर बोलते हैं। उन्होंने पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन के लिए ये बिटकॉइन एक कंसेप्ट उन्होंने डेवलप किया, प्रेजेंट किया पहले, सबसे पहले दुनिया के सामने, कि ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जब के साथ ट्रांजेक्शन होता है तो उसमें बीच में किसी मध्यस्थता की जरूरत नहीं है, किसी भी और व्यक्ति की जरूरत नहीं है। इसको पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन बोलते हैं, और ये इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट होगा, और इसका रिकॉर्ड डिसेंट्रलाइज्ड होगा। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि किसी के पास भी इसका अथॉरिटी या कंट्रोल नहीं होगा। अगर किसी के पास भी इसकी अथॉरिटी और कंट्रोल नहीं है, तो इसका मतलब ये कि इसको किसी भी तरीके से बाइंड नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि इस पे कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी प्रेशर हो, दुनिया का कोई भी व्यक्ति इस पे कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। तो ऐसा करने के लिए उन्होंने क्रिप्टोग्राफी के बारे में बताया और किया। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है? क्रिप्टोग्राफी एक सॉफ्टवेयर टेक्निक है, एक सॉफ्टवेयर टेक्निक है जो कोड्स को काफी कॉम्प्लेक्स कर देता है, जो कोड्स को काफी कॉम्प्लेक्स कर देता है ताकि कोई और उस कोड को तोड़ ना पाए, उसमें कोई भी म्यूटिलेशन ना कर पाए, कोई भी चेंज ना कर पाए, कोई भी ट्रांजेक्शन की डिटेल अगर एक व्यक्ति ने दूसरे से किए तो उसको कोई तीसरा व्यक्ति कुछ भी डिस्टरबेंस ना कर पाए। इतना स्ट्रांग सिस्टम ऑफ सॉफ्टवेयर उन्होंने डेवलप किया, जिसको क्रिप्टोग्राफी ग्राफी बोलते हैं। अब ये क्रिप्टोग्राफी तो कोड्स में बदल देता था, लेकिन अब जो ये ट्रांजेक्शन करने थे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के साथ में, ये इलेक्ट्रॉनिकली करने थे। इलेक्ट्रॉनिकली क्रिप्टोग्राफी के कारण एक व्यक्ति के साथ दूसरे व्यक्ति का ट्रांजेक्शन किसी यूनिट या किसी कॉइन के जरिए होना चाहिए था, तो ये बिटकॉइन नाम उन्होंने दिया था। ये बिटकॉइन इंट्रोड्यूस हुआ, ये सबसे पहला क्रिप्टो करेंसी जिसको इलेक्ट्रॉनिक करेंसी बोलते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक करेंसी आया दुनिया में। इसका जो सबसे खास बात है, जो पूरी दुनिया मानती है, और भले वो बिटकॉइन को ना माने लेकिन उस खास बात को मानती है, वो खास बात है वो टेक्निक, वो टेक्नोलॉजी, जिस टेक्नोलॉजी से ये जो ट्रांजेक्शन है इसका लेजर हवा में, यूनिवर्स में अवेलेबल रहता है और ऑटो मेंटेन्ड रहता है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो इंटरनेट है ये ऑटो मेंटेन्ड चीज है,
इसका मतलब इंटरनेट सब तरफ है, उसमें क्या चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, बिजली चाहिए और सर्वर्स होते हैं, ये सर्वर के जरिए अपने आप काम करता है, लेकिन वो ऑटो जनरेटेड या ऑटो रेगुलेटेड है। उसी तरीके से सातोशी नाकामोतो ने एक ऐसा टेक्नोलॉजी जो कि आज सारे कंट्री ने एक्सेप्ट किया है, उसको बोलते हैं ब्लॉकचेन। ये ब्लॉकचेन वर्ड आपने बहुत ज्यादा सुना होगा। ब्लॉकचेन का मतलब एक जगह से दूसरे जगह ट्रांजेक्शन होने के बीच में जो जो ब्लॉक्स होते हैं, जो जो ट्रांजेक्शन के रूटिंग होते हैं, उसको अलग अलग बॉक्सेस में, अलग अलग ट्रांजेक्शन कोड्स में वेरीफाई करते हैं। ये जो ट्रांजेक्शन को एक से दूसरे तक जाने के लिए जो वेरिफिकेशन करते हैं, वो इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं कि उसमें कोई भी कुछ छेड़छाड़ अगर करेगा तो कर नहीं पाएगा कुल मिलाकर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि ये ट्रांजेक्शन यूनिक होते हैं, जिस समय होते हैं उस समय ऑटो टाइम स्टैम्प वर्ड याद रखिएगा, टाइम स्टैम्प हो जाता है। टाइम स्टैम्प का मतलब ये कि अगर मैंने 8:19.33 सेकेंड पे कोई चीज मूव किया, फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो मैंने एक एंड पे मूव किया वो इस समय पर था, तो उस समय वो लॉक हो जाएगा, उसको कभी चेंज नहीं कर सकते। फिर हर सेकंड में, हर माइक्रो सेकंड में क्या क्या चीजें हुई, वो सारे चीजों का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और लेजर मेंटेन करता है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जबरदस्त टेक्नोलॉजी है जिसको सारी दुनिया मानती है कि अगर हर काम को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर में ला लिया जाए, तो फिर कोई भी किसी भी ट्रांजेक्शन को म्यूटिलेट नहीं कर सकता, उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, हर काम सिस्टमैटिकली हो सकता है। तो ये कुछ तीन चार चीजें अगर ब्लॉकचेन के बारे में हम बात करें तो हम लोग को वापस रिवाइज कर रहा हूं जानने की जरूरत है। सबसे पहला कि बिटकॉइन जो है, बिटकॉइन सातोशी नाकामोतो ने सन 2009 में व्हाइट पेपर के जरिए इंट्रोड्यूस किया था, और ये व्यक्ति आज तक नहीं जानता कोई कि ये कौन है, राइट? दूसरा चीज, इन्होंने कहा कि मैं एक डिजिटल करेंसी जनरेट कर रहा हूं जिसको बोलते हैं बिटकॉइन। ये बिटकॉइन नाम सातोशी नाकामोतो जी का दिया हुआ है, पहला क्रिप्टो करेंसी है। ये क्रिप्टो करेंसी भी कहलाता है इसलिए क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर यह टेक्निक है जिससे कि ये कोड को कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, इसको क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। इसलिए क्रिप्टोग्राफी के जरिए जनरेट हुआ ये जो काम है, ये जो कॉइन है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक करेंसी है, इसको क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। जो टेक्निक, जिस टेक्निक से हर काम, हर ट्रांजैक्शन का, हर एक क्षण का रिकॉर्ड रखा जाता है और उसका पूरा फ्लो ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी के बाद ई के बाद एफ के बाद आखिरी तक जो जाता है, इसको बोलते हैं ब्लॉकचेन। इसको बोलते हैं ब्लॉकचेन। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जो ट्रांजेक्शन हो रहा है बिना किसी मध्यस्थ व्यक्ति के, इसको बोलते हैं पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के साथ होने वाले ट्रांजेक्शन, इसको बोलते हैं पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन। ये छह इंपॉर्टेंट वर्ड हुआ। एक सातवां है टाइम स्टैम्पिंग। हर काम हर समय जिस जिस सीक्वेंस में होता है ब्लॉकचेन में, वो हर समय ऑटोमेटिक टाइम स्टैम्पिंग हो जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है, उसमें कोई भी चेंजेस पॉसिबल नहीं होता। तो ये खास बात है ब्लॉकचेन की। ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक लेन देन करने के लिए कोई भी मध्यस्थता का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करती। ब्लॉकचेन एकदम सिंपल कंसेप्ट है हमारे हाथ में आने के बाद, लेकिन इसको मेंटेन करना काफी कॉम्प्लेक्स और डिसेंट्रलाइज्ड। हाँ, ये डिसेंट्रलाइज्ड वर्ड मत भूलिएगा। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब ये होता है कि इस पे किसी भी गवर्नमेंट, किसी भी देश का कोई कंट्रोल नहीं है। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बिटकॉइन का टैक्सेशन कैसे होता है, और दूसरी चीज, बिटकॉइन हम प्राप्त कैसे कर सकते हैं और इसका वेरिफिकेशन कैसे हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस बिटकॉइन सीरीज पे बिल्कुल बने रहिएगा, जबरदस्त वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, एक बार में समझ में आ जाएगा। और आखिरी वीडियो एक और मैं बनाने वाला हूं जिसमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में बताऊंगा जो कैलकुलेटेड रिस्क लेकर पॉसिबल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। मैं आप लोगों का आभारी हूं कि आपने मुझे 2000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर आप हमारे बन गए हैं, और मैं रेगुलर आप लोगों के लिए डेवलप करते जा रहा हूं।
थैंक यू वेरी मच।